वेलकम टू एम्बिशन आई क्यू। हम लोग आज क्या करने वाले हैं, अपना जो दुश्मन है चाइना उसके बारे में जानकारी जुटाने वाले हैं। कई लोग कह गए हैं कि तुम लोग फ्रेंड्स की इतनी इन्फॉर्मेशन मत निकालो, बट दुश्मन की पूरी इनका इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी चाइना की इन्फॉर्मेशन है, जो भी उनके फैक्ट्स है, वह आज हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अभी बहुत सारी इंकर्जन चल रही है, जैसे गलवान घाटी में हो गया, पेंगोंग सो लेक में हो गया। पहले 2017 में उन्होंने क्या किया था, भूटान के पास क्या किया था, इंकर्जन करने का प्रयास किया था, लेकिन भारतीय सेना ने वहाँ पर जाके डट के उनका सामना किया था। अभी न्यूज़ आई है कि कालाटोप जो पार्ट है पेंगोंग सो के साउथ में, वहाँ पे क्या किया, इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिया है। यह एक खुशी की बात है। अभी क्या हुआ है, चाइना जो है तिल मिला गया है, उसको कोई राह नहीं दिखा दे रही है, क्योंकि अमेरिकी ने क्या किया है, अपनी जो शिप्स हैं वो साउथ चाइना सी में भेज दी है। वैसे ही इंडिया ने भी क्या किया है, अपनी जो वॉर हेड शिप्स है उन्होंने वो भी साउथ चाइना सी में भेज दिए। क्योंकि पहले कैसे था, हम लोग एक्टिव मोड में नहीं थे, पैसिव मोड में ही थे, मतलब हम लोग चाइना को खुश करने का प्रयास किया करते थे। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, हम लोग खुश नहीं करना हम लोगों को, हम लोगों को डट कर उनका सामना करना है, ऐसी नीति हमने बनाई है। इसलिए हम लोग अभी भी डट के खड़े हुए हैं, कहाँ पे, पेंगोंग सो लेक में, क्योंकि चाइना पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। वो कभी भी, वो थोड़ी देर बाद कहता है कि हम लोग यहाँ से अपनी सेनाएं हटा देते हैं, लेकिन कुछ दिन जाने के बाद वो क्या करता है, फिर से अपनी सेनाएं वहाँ पे लगा देता है और इंकर्जन करने का प्रयास करता है। वैसे ही उन्होंने 1962 में किया था। 1962 में चाइना ने क्या किया था, हिंदी चीनी भाई भाई ऐसा नारा दिया था, तब अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और ऐसे बोल के उसने क्या किया, आते से छः महीने में ही, आने वाले छः महीने में ही उन्होंने क्या किया, जो अक्साई चीन का पार्ट है उन्होंने अपने युद्ध से 1962 में वहाँ काबिज करके ले लिया। वैसे ही अभी सिचुएशन हो गई है। अभी 2019 में नरेंद्र मोदी जी और जी जिनपिंग यहाँ मामल्लापुरम समिट में आए थे, बहुत सारे बातें हो गई, हम लोग अच्छे से रहेंगे, हम लोग अपनी ग्रोथ करेंगे, ऐसा बहुत सारे डिस्कशन होगा। लेकिन आने वाले छः महीने में ही, मतलब मार्च 2020 में ही उन्होंने क्या किया, फिर से इंकर्जन की, गलवान घाटी हो गई, अपना पेंगोंग सो लेक हो गया। तो चीन पे ट्रस्ट करना नहीं चाहिए अपने को, अपने को उनके सामने डट के रहना चाहिए। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, चीन की ज़्यादा से ज़्यादा माहिती अपने को पता होनी ज़रूरी है, एज ए जनरल नॉलेज और एज ए एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू अपने को यहाँ जानकारी जुटाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। चाइना, चाइना में कितना स्टार्ट है, स्टार है, 5 स्टार है। इनकी कैपिटल है बीजिंग। कहाँ पे आता है, आसिया में आता है, अपने भारत के नॉर्थ में ही है वहाँ। ऑफिशियल नाम क्या है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। परंतु जो ताइवान है, ताइवान क्या कहता है कि हम मेन चाइना है, रिपब्लिक ऑफ चाइना हम है, ना कि ये वाला पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। इस पर बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, वो हम लोग नेक्स्ट कहीं तो भी डिस्कस कर सकते हैं। अल्टरनेटिव क्या है, सीएन है, जोंगो है, जोंगू, जोंगुआ, पे ऑफ पीस, रिपब्लिक ऑफ चाइना, जोंगू, रेनमी, गोंगे, ये क्या है, उनकी अल्टरनेटिव नेम्स है। रीजन मैंने बता दिया है, आशिया कॉन्टिनेंट में सब रीजन बताया है, ईस्टर्न आशिया में है, आशिया जो अपना पूरा खंड है उसके ईस्ट साइड में, उसके पूर्वी साइड में क्या है, चीन है। इनकी करेंसी क्या है, CNY है, ये एक है, और रेनमिनबी करके भी इनकी करेंसी है, रेनमिनबी, ये भी उनकी करेंसी है। इनकी GDP देखो, मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में, अमेरिके का हम लोग क्या कर रहे थे, फैक्ट्स डिटेल में पढ़ रहे थे। उस बार मैंने बताया था कि GDP के मामले में जो अमेरिका है वो फर्स्ट नंबर पे है, और चाइना है सेकंड नंबर पे, इंडिया जो है फिफ्थ नंबर पे है। तो अभी देखते हैं हम लोग उनकी GDP कितनी है, यहाँ पे दिया है उन्होंने 92,40,270, इतना है करके उन्होंने बता दिया, USA डॉलर में है। उनकी लैंग्वेज कौन सी है,
जीसीएन है, कॉन्टोनेज है, उ चाइनीज है, डटा है, उइगुर है, जुआंग है। ये उइगुर बताया गया, उइगुर मुस्लिम को भी इन्होंने क्या किया है, प्रेशर करके उनका जो धर्म है उनको बदलने की कोशिश की है, उनको बहुत सारे ऐसे कैंप में रखा है, उनको शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है। वैसे ही चीज़ अभी वो क्या कर रहा है, किसके साथ करने का प्रयास कर रहा है, तिब्बत के लोगों के साथ कर रहे हैं। अभी हम लोगों को पता है जो तिब्बत के लोग हैं वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं चाइना क्या प्रयास कर रहा है, अभी उसको जो रूप बदल के वो सिनिज़्म करने का प्रयास कर रहा है, मतलब चाइना ओरिएंटेड उनको बहुत सारा ज्ञान देने का वहाँ प्रयास करने का प्रयास कर रहा है। अभी उनकी पॉपुलेशन कितनी है, 141,09,54,440 इतनी क्या है उनकी पॉपुलेशन है। अपने पूरे जग में वर्ल्ड में एक नंबर पे है चाइना। एरिया कितना है देखो, 95,96,960 स्क्वायर किलोमीटर। अपना कितना है, 34 लाख है, तो कितने गुना है, 3 गुना चाइना की साइज़ है, अपने से 3 गुना साइज़ है। अभी बॉर्डर किस किस के साथ लगी है वहाँ भी हम लोगों को जानना चाहिए। एक है अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार, हांगकांग, इंडिया, कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, किर्गिस्तान, लाओस, मकाऊ, मंगोलिया, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, वियतनाम, इतने इशारों के साथ उनकी बाउंड्री लगी हुई है। इनका जो फ़ोन नंबर देखा जाए तो 96 है, जैसे अपना +91 है वैसे ही उनका +86 है। अभी अल्टीट्यूड कितना है, मैंने कई बार बताया है, आज भी बताता हूँ, जो ग्लोब पे लेटी हुई लाइन होते हैं उनको लैटीट्यूड कहते हैं और जो खड़ी लाइन होते हैं उनको अल्टीट्यूड कहते हैं। तो लैटीट्यूड कितना है, 35 है, लॉन्गीट्यूड कितना है, 105 है। होप आपको यहाँ चाइना के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।